नमस्कार, स्वागत है आपका टुडेज़ पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उन फिल्मों की जो आपस में टकराने वाली हैं, उन उत्तर भारत और दक्षिण भारत की फिल्मों की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चिरंजीवी और अजय देवगन की टक्कर होने वाली है। जी हाँ, बहुत बड़े बड़े मेगास्टार हैं, इतनी बड़ी टक्कर मेरे ख्याल से बहुत अरसे के बाद हो रही है। इस साल स्वतंत्रता दिवस पर चिरंजीवी लेकर के आएंगे अपनी फिल्म आचार्य और अजय देवगन लेकर के आएंगे फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। और बॉक्स ऑफिस पर ऐसी टक्कर होने वाली है कि आने वाले दिनों में जो है ये दुनिया याद रखेगी। दूसरी टक्कर जो होने वाली है वो होने वाली है विजय देवरकोंडा और अक्षय कुमार के बीच में। ये जो है दिवाली पर अर्जुन रेड्डी के जो एक्टर हैं वो लेकर के आ रहे हैं अपनी फिल्म फाइटर, और अक्षय कुमार लेकर के आ रहे हैं अपनी एक पीरियड फिल्म पृथ्वीराज। यश और अभिषेक बच्चन भी टकराएंगे और इनकी टक्कर होगी KGF 2 और दी बिग बुल के फॉर्म में। हालांकि बहुत बड़ी टक्कर नहीं है क्योंकि दोनों दो अलग अलग लेवल की फिल्में हैं। उसके बाद अगली टक्कर जो होने वाली है वो होने वाली है रामचरण और जॉन अब्राहम के बीच में। रामचरण ऑब्वियसली लेकर के आ रहे हैं RRR और जॉन अब्राहम लेकर के आ रहे हैं एक विलन 2। इन दोनों फिल्मों की ऑलमोस्ट एक ही दिन रिलीज होने का चांस है। और उसके बाद जो बड़ी टक्कर होने वाली है, ये अगेन एक बहुत ही बड़ी टक्कर है, यह है आमिर खान और अल्लू अर्जुन के बीच में। आमिर खान लेकर के आएंगे लाल सिंह चड्ढा और उसी दिन लेकर के आएंगे अल्लू अर्जुन AA20। और अल्लू अर्जुन इस समय जो है अला वैकंठ पुरमालू के बाद जो है बहुत ज़्यादा फॉर्म में है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि AA20 शायद हिंदी में भी रिलीज़ की जाएगी। मैं और जानकारी आपको देता रहूँगा, कहीं जाइएगा मत। नमस्कार।